हेलो एवरीवन, ऑटो फिर आने के लिए स्वागत है, धन्यवाद। आज वीडियो बना रहा हूँ हम, हीरो होंडा पैशन BS3 बाइक है ये। तो इसको वायरिंग हार्नेस के बारे में कुछ शेयर करने वाला हूँ मिस्त्री के लिए, कौन सा वायर कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कौन सा हार्नेस किस वायर में जाता है, किस कहाँ पर सूज जाता है, आयरन यून में जाता है, बाडली कॉल जाता है, पूरा आपको हम बताने वाला हो। तो वीडियो में लास्ट तक वॉच करना, हमारा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फटाफट टाइम बिना मिस करता हूँ, वीडियो चालू करता हूँ, वीडियो में जुड़े रहना। पहले हम इग्निशन स्विच ऑन करूँगा, ऑन कर दिया, ऑन हो गया। तो कौन सा हम फास्ट स्टेप में आपको हम इंग्लिश में स्विच का लेन दिखाता हूँ। देखिए पहले कपलर ऑन कर दिया, ये बॉडी अर्थिंग है, ये कलर बॉडी अर्थिंग है, ये आउटपुट लाइन है, ये ब्लैक कलर का, ये रेड कलर का इनपुट है, और ये है चाबी गाड़ी ऑन ऑफ जब हो गया हो जा, वो ये है जब ऑन ऑफ बंद होगा चालू होगा, ये वायरिंग है इनपुट, ठीक है। ये कपलर हो गया। ये वायर है लेफ्ट साइड का बादामी कलर का, एक बॉडी अर्थिंग है, ये इनपुट लाइन है, ये इनपुट लाइन स्विच का हैंडल बार स्विच का, और ये दो इंडिकेटर लाइन है सफेद कलर का, व्हाइट में ब्लू कलर का हो गया। ये न्यूट्रल लाइन है बॉडी अर्थिंग इनपुट, ये आउटपुट है, ये भी हो गया। हेडलाइट का है एक पॉइंट नील कलर का, यह सफेद कलर का एक कलर है, इसको हो गया। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इंडिकेटर फ्लासर है इनपुट लाइन आउटपुट लाइन, ये टैंकी फ्यूल का है, ये बॉडी अर्थिंग है, ये इनपुट लाइन है, ये ठीक है, ये कपलर में। एक बार आर्मेचर कॉइल कपलर ओपन करता हूँ मैं, देखिए बंद करो, ब्लैक में रेड, ये स्टार्टिंग कॉइल का है, स्टार्टिंग कॉइल का, ये पिकअप कॉइल का है, ठीक है। ये बॉडी अर्थिंग है, ये कलर का बॉडी अर्थिंग, और ये दो लाइन है, ये येलो कलर का इनपुट लाइन है, सफेद कलर का इनपुट लाइन है, ये यही है न्यूट्रल का, ये न्यूट्रल का लाइन है, ये रेड कलर रेड में सफेद कलर का, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर कपलर ये चला गया, देखिए हो गया कपलर, यहाँ भी अटैच कर दूँगा, आपको लाइन दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह लाइन देता है, तब पता चलेगा आपको। तो तार दो ये वायर में आपको लाइन दिखाता हूँ, देखिए वाट करो, देखिए यहाँ पर लाइन का छिड़का नहीं आता है, मर देखिए यहाँ पर
लग गया, ये भी लग गया। इस तरह चाहिए, यहाँ पर हम आपको चेक करूँगा। ये मेरा लैम्प है, इसको हम चेक करूँगा यहाँ पर। दूर इधर आओ, हल्का मार, हल्का मारो, हल्का বড় ভালো আছে। তো সো গাইস, আপকো হম ব্যাটারি লাইন দেখাতা হম। এ টার্মিনাল হ্যায় না রেড কালার কা, এ মেইন লাইন হ্যায় প্লাস, এ মাইনাস, বড় আর্থিং হ্যায় ঠিক হ্যায়। এ ইয়াহাঁ পর ফিউজ হ্যায়, ইয়াহাঁ পর এক ফিউজ লাগেগা, হ্যাঁ ফিউজ হ্যায়। এ ভি হো গিয়া। अब बारी है CDI का। ब्लैक में रेड कलर का वायर जब है ना, ये आता है CDI में आर्मेचर कॉइल से इनपुट, ठीक है। आ ये लाइन है आउटपुट, ये वाला ब्लैक कलर का आउटपुट है, जाता है बाटली कॉइल में। आ ये है इंजन वन ऑफ, जब ऑन करेगा स्टार्ट होगा, बंद जब इंग्लिश बंद करेगा तो बंद हो जाएगा गाड़ी, हो गया। ए पी आपका लाइन है, एक ग्राउंड है। अगर ये जाता है कि पिक आपका इनपुट लाइन है या आउटपुट लाइन है, सफेद मनी ब्लू, ये भी हो गया। पर ये लाइन है ब्लैक में, ये लो यहाँ पर भी ब्लैक में, ये लो ठीक है, हो गया। ये दो लाइन है, बांसी जाता है बांसी में, ठीक है। एक गर्म एक बॉडी आर्थिंग है ये। अब RR यूनिट में आता हूँ हम, देखिए येलो कलर इनपुट लाइन है, रेड कलर एक इनपुट लाइन है, सफेद कलर का आउटपुट लाइन है, एक ग्राउंड है बॉडी आर्थिंग, ये भी हो गया। इस तरह लाइन चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ हम कि आप मिस्त्री भाई के लिए पूरा देख के काम सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा वीडियो पहली बार आया था, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज वीडियो इतना ही, नए वीडियो लिए इंतजार करने वाला, बेस्ट, थैंक यू।